देखो इसमें इस क्वेश्चन में बोला है पॉइंट ऑब्जेक्ट इज कीप्ट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर. द प्लेन मिरर इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड 2 cm अलोंग द नॉर्मल लाइन ऑफ मिरर. द एम्पलीट्यूड और SHM ऑफ इमेज, इमेज का SHM बताना, एम्पलीट्यूड का क्या होगा. इसमें देखो मान लो ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी इसकी, इतनी डिस्टेंस पे. इस केस में ये बोला गया कि जो मिरर है एम्पलीट्यूड वर्ड यूज कर लिया चाहे इसमें वेलोसिटी वर्ड यूज कर लिया, ताकि अगर मिरर जो है 2 cm इधर मूव कर रहा है नॉर्मल के अलोंग, तो उस केस में, इस केस में इमेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा. तो ये बताया गया था अगर ऑब्जेक्ट नॉर्मल के अलोंग ही अगर v की स्पीड से मूव करता है तो इमेज की जो स्पीड है वो 2v हो जाती है. तो अगर ये 2 cm से एम्पलीट्यूड SHM कर रहा है तो ये कितने से करेगी, 4 cm से. तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4 cm. पहले मान लो ये डिस्टेंस जो थी x थी, अब इस केस में ये 2 cm इधर आ गया, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी x. तो इस केस में ये 2 cm मान लो इधर आ गया, तो इस केस में इमेज भी क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी. इसकी इमेज की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी बढ़ गई x प्लस 2, तो इमेज की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी x प्लस 2. बट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फिक्स है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 4. समझ में आ गया, एनी डाउट. इसका आंसर 4 cm आ जाएगा. बस वेलोसिटी की जगह इसने एम्पलीट्यूड वर्ड यूज कर लिया और कुछ नहीं है.